हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 में करवा चौथ का व्रत कौन से महीने में रखा जाएगा और साथ ही जानेंगे इस दिन चंद्र पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागों वाली रात के नाम से भी काफी प्रचलित है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। दोस्तों, इस व्रत में सुहागने 16 श्रृंगार करती हैं और पूरा दिन निर्जल उपवास रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, चौथ का यह व्रत गणपति जी और करवा माता को समर्पित है। तो चलिए आपको बताते हैं 2024 में करवा चौथ का व्रत कौन से महीने में रखा जाएगा और इस दिन चंद्र पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आइए जान लेते हैं करवा चौथ किस महीने में पड़ेगा। दोस्तों, 2024 में करवा चौथ का व्रत अक्टूबर के महीने में पड़ेगा। 20 अक्टूबर दिन रविवार को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, इस बार चंद्रोदय व्यापारी चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। ऐसे में 20 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत रखना उचित होगा। अब जान लेते हैं करवा चौथ 2024 शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर की सुबह 6:46 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 21 अक्टूबर की सुबह 4:16 पर। दोस्तों, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 20 अक्टूबर की शाम 5:46 से शाम 7:02 तक और व्रत की संपूर्ण अवधि रहेगी 20 अक्टूबर की सुबह 6:25 से रात्रि 7:54 तक। अब जान लेते हैं चंद्र पूजन का समय क्या रहेगा। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत चंद्र पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। चांद को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। दोस्तों, 20 अक्टूबर 2024 को रात 7:54 पर चांद निकलेगा। चांद निकलने के साथ ही चंद्रमा की पूजा की जाएगी। हालांकि अपने अपने शहर के अनुसार चंद्रोदय का समय अलग अलग हो सकता है। अब जान लेते हैं करवा चौथ पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वर्गीय ग्रहण करें और निर्जल व्रत का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार की पूजा की जाती है। दोस्तों, जिस तरह प्रत्येक कार्य से पहले गणेश जी की पूजा करने का विधान है, ठीक उसी तरह करवा चौथ के व्रत में भी सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव, माता गौरी और कार्तिकेय की पूजा करें। दोस्तों, करवा चौथ व्रत की पूजा विशेषकर शाम के समय की जाती है। पूजा के लिए गेहूं और चावलों को पीसकर घोल तैयार कर करवा का चित्र बना लें। अब 8 पूरियों की अठावरी हलवा व अन्य पकवान बनाएं। दोस्तों, पूजा स्थल पर मिट्टी से मां गौरी और गोद में विराजमान गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। मां की प्रतिमा के साथ भगवान शिव की प्रतिमा भी स्थापित करें और जल से भरा हुआ कलश उनके समक्ष रखें। अब देवी पार्वती को सुहाग का सभी सामान अर्पित करें। दोस्तों, वायना अर्थात भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा लें। करवे में गेहूं और उसके ढक्कन में शक्कर का बुरा भर दें। अब उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। अब गेहूं या चावल के दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ें या सुन लें। दोस्तों, अंत में सभी देवी देवताओं की आरती कर घर के बड़ों का आशीर्वाद लें और रात्रि में चंद्रोदय के बाद चांद को अर्घ देकर व्रत सम्पन्न करें। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।